दिल्ली में भाई एक ही चीज़ मुझे पसंद है कि यहाँ पर जाति और धर्म से सब लोग ऊपर हैं। इंडिया गेट है, दिल्ली हार्ट, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम, अक्षरधाम, सफदरजंग टॉम, हुमायूं टॉम, दिल्ली की सड़कें, दिल्ली में दिल फेक लोग ज़्यादा हैं, आसी के लोग ज़्यादा हैं, दिल्ली का फूड बहुत अच्छा है, एजुकेशन और हॉस्पिटल दो चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। ये भारत है और भारत के दिल की धड़कन है, ये कभी ना रुकने और थकने वाला दिल्ली शहर। इस सपनों के शहर दिल्ली में रोज हजारों लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। कोई सफल होकर यहीं का हो जाता है और कोई निराश होकर वापस लौट जाता है। कहते हैं दिल्ली का दिल बहुत बड़ा है और कोई भी अमीर या गरीब व्यक्ति देश के किसी भी क्षेत्र से आकर यहाँ अपना गुजारा कर सकता है। देश के किसी कोने से काम की तलाश में आने वाले लोग हों या शिक्षा की खोज में आए जोश से भरपूर नौजवान, ये दिल्ली हर किसी को पनाह देती है। दिल्ली में एक अलग किस्म की ही खूबसूरती है जो इसे और राज्यों से अलग और बेहतर बनाती है। फिर बात चाहे सड़क के किनारे लगे हुए बाजार की हो या ठेले पर बिकने वाले लजीज चाइनीज फूड की, नई दिल्ली की सड़कों पर हवा की गति से चलने वाली गाड़ियों की बात हो या फिर पुरानी दिल्ली की गलियों में लगने वाले जाम की, सुबह शाम होने वाली भीड़ की बात हो या दोपहर में होने वाली गर्मी की, चिकनी सड़कों पर चलने वाली डीटीसी बस की बात हो या फिर ऊंचे ऊंचे पुलों पर चलने वाली मेट्रो की, या मिडिल क्लास व्यक्ति की शॉपिंग के लिए चांदनी चौक, गांधीनगर और शादरा में रोज लगने वाले बाजार हैं, तो अमीर लोगों के लिए सिलेक्ट सिटी वॉक जैसे मॉल और ब्रांडेड शोरूम है। यहाँ साउथ दिल्ली के लड़कों की क्लास भी है और ईस्ट दिल्ली के लड़कों की अकड़ और ह्यूमर भी है। यहाँ पर उच्च शिक्षा के लिए भी कई महाविद्यालय हैं। 12वीं की परीक्षाओं में बुखार में होने वाले, शरीर के तापमान से भी अधिक अंक लाने वाले छात्रों को मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, और 95 से 96% जैसे कम अंक लाने वाले छात्रों को मिलता है साउथ कैंपस। इस टिकटॉक जैसे बेहूदगी के दौर में एक और ऐसी कला है जिसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों ने जीवित रखा है, नुक्कड़ नाटक। जी हाँ, वही नुक्कड़ नाटक जहाँ खुद सुल्तानपुरी का माल फूकने वाले छात्र भी कुर्ता चुन्नी पहनकर नशा मुक्ति जैसे विषयों पर चिल्लाते नजर आते हैं। आपको बताते चलें कि शाहरुख जैसे बड़े फिल्म स्टार भी यहाँ के पास आउट हैं और भजनपुरा के बाबा शाह बंगाली भी, जिसने यहाँ दाखिला ही सिर्फ इसलिए लिया था जिससे उसका 115 रुपए प्रति माह वाला डीटीसी का बस पास बन सके। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं दिल्ली की फेमस डिश के बारे में जिसे दिल्ली का हर शख्स बड़े चाव से खाता है, और ये डिश है मोमोज। दोस्तों, जिस तरह दिल्ली भारत का दिल है, ठीक उसी प्रकार से दिल्ली का दिल है सीपी यानी कनॉट प्लेस। सीपी की बढ़ती लोकप्रियता का एक खास कारण ये भी है कि यूट्यूब के वाइनर्स और प्रैंकस्टर्स हों या फिर नोएडा के देसी गैंगस्टर्स, सब यहीं पाए जाते हैं। आपको बता दें कि आजकल दिल्ली के सरकारी स्कूल के छात्र भी
सीपी में भारी मात्रा में पाए जाते हैं। जी नहीं, वो यहाँ शॉपिंग करने नहीं आते, बल्कि वो डीटीसी की बस में लटक कर यहाँ सिर्फ एक ही मकसद से आते हैं, बंगला साहिब गुरुद्वारे में लंगर खाने के लिए। दिल्ली मेट्रो इज आवर लाइफ लाइन यार, मतलब दिल्ली मेट्रो की वजह से हमारी लाइफ बहुत इजी हुई हुई है, उसके बिना तो बहुत मुश्किल हो जाता। मतलब हाँ, फ्री बस राइड हो गई है, बट वो क्राउड में फिर भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मेरे लिए मेट्रो बेस्ट है, मैं मेट्रो में ही ट्रैवल करती हूँ, तो दिल्ली मेट्रो जिंदाबाद। मेट्रो इज द मतलब लग्जरियस चीज़ है दिल्ली वालों के लिए। हाँ, दिल्ली मेट्रो दिल्ली में बहुत अच्छी एक मतलब प्लेटफॉर्म ऐसा दिया है टाइम को बचाने के लिए, इतने ज़्यादा भीड़ के साथ और ट्रैफिक के साथ में। तो मेट्रो एक गिफ्ट है दिल्ली वालों के लिए। मैं एक नई पहचान हूँ इस शहर की, अब शान हूँ, उठते कदमों में बंधी रफ्तार हूँ, तुम्हारी मंजिल तक तुम्हारी पहरेदार हूँ, हर मुसाफिर का मैं प्यार हूँ, मैं दिल्ली मेट्रो इस शहर की शान हूँ। दिल्ली मेट्रो जिसे आज के समय में दिल्ली की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, जिसके बगैर दिल्ली अधूरी है और दिल्ली वासियों का जीवन अधूरा है। मेट्रो रेल इस शहर की भाग दौड़ को और भी तेज कर देती है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली मेट्रो आज NCR को भी, यानी फरीदाबाद, नोएडा, गुड़गांव और गाजियाबाद को भी दिल्ली के दिल से जोड़ती है। दिल्ली मेट्रो के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी है कि दिल्ली मेट्रो के किसी भी स्टेशन पर आपको एक भी कूड़ादान देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ कुछ खाने पीने की दुकानों को छोड़कर, और इसके बावजूद आपको सभी मेट्रो स्टेशन साफ सुथरे नजर आएंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, दिल्ली शहर बिल्कुल लड़कियों की इंस्टाग्राम प्रोफाइल की तरह है, एकदम रंगीन।